नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 5 दिसंबर 2021 बार रविवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम अवश्य लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं क्या विशेष रहने वाला है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि सुबह 7:47 से लेकर अगले दिन सुबह 4:54 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों की सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद माना गया है। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार रविवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा तिथि जो कि सुबह 9:27 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आइए बात करते हैं नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:47 तक रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दोनों ही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। बात करें योग की तो शूल योग, करण बव करण सुबह 9:27 तक रहेगा, उसके बाद बालव करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं। सूर्योदय प्रातः 7:03, सूर्यास्त शाम 5:19, सूर्यदेव वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 8 बजे, चंद्रास्त की बात करें शाम 6:24, चंद्र राशि की बात करें सुबह 7:47 तक चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद वे धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं शुभ समय। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 5:27 से लेकर सुबह 6:15 तक रहने वाला है। अपने ईष्ट देव की आराधना मंत्र जप के लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा माना गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की तो कोई भी अगर आप अपना शुभ कार्य शुरू करने जा रहे हैं और आपको शुभ चौघड़िए में आप अपना शुभ कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिजित मुहूर्त में अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त सभी दोषों के परिहार के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की तो 11:51 से लेकर दोपहर 12:32 तक अभिजित मुहूर्त रहने वाला है। बात करते हैं आइए दिन के चौघड़िए की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। उद्वेग का चौघड़िया सुबह 7:03 से लेकर 8:20 अशुभ चौघड़िया है। उद्वेग के बाद चर 8:20 से लेकर सुबह 9:37 तक सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 9:37 10:54 लाभ का चौघड़िया अत्यंत शुभ माना गया है। लाभ के बाद अमृत 10:54 से लेकर और दोपहर 12:11 तक रहने वाला है। अमृत का चौघड़िया शुभ समय है। अमृत के बाद काल 12:21 से लेकर और 1:28 तक रहेगा, अशुभ चौघड़िया है। काल के बाद शुभ 1:28 से लेकर 2:45 तक रहेगा, शुभ समय है। शुभ के बाद अगर हम बात करें रोग की तो 2:45 से लेकर और 4:02 तक रोग का चौघड़िया रहेगा, अशुभ चौघड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 4:02 से लेकर और शाम 5:19 तक रहने वाला है, यह भी अशुभ चौघड़िया है। शुभ, लाभ और अमृत ये तीनों चौघड़िये अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग इन्हें अशुभ चौघड़िये की संज्ञा दी गई। आइए अब हम बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गोलिक काल की। दोनों ही समय अत्यंत शुभ माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य दोनों समय में शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल की बात करें तो 4:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक राहु काल रहने वाला है। गुलिक काल की बात करें तो 3 बजे से लेकर 4:30 तक दोपहर में गुलिक काल रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिशाशूल यानी किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज के दिन का दिशाशूल है पश्चिम दिशा। फिर भी अगर जातक यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार करें, यानी आज के दिन यात्रा करने से पहले घी का सेवन अवश्य करें। आइए बात करते हैं शुभ राशियों की। तो आज चंद्रमा सुबह 7:47 पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सुबह 7:47 तक जो राशियां शुभ हैं वे हैं वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ। और सुबह 7:47 के बाद में जो राशियां शुभ हैं वे हैं मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन। आइए बात करते हैं जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामाक्षर और जन्म पाएगी। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे सुबह 7:47 तक उनकी वृश्चिक राशि, उसके बाद जन्म लेने वाले जातकों की धनु राशि रहने वाली है। नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर रहेंगे यू, ये, यो, भ, भी। जन्म पाये की बात करें तो इनका सभी का ताम्र का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।